lên coi. संडे को ले लेना क्लास, संडे को फिर आपका टाइम नहीं होगा, मंडे को ले लेना, देखते हैं रख लेंगे कुछ संडे में रखेंगे मुझे ऐड करना है। तुम क्या करोगे? तो पर वो वॉइस मत करने का ना, ऑडियो मत करने का ना, आवाज आने लगती है। टेंशन मत लीजिए सर, आप प्रैक्टिस करा दिए मैं कैंप से। अच्छी वो आ रही होगी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। क्यों आजकल क्या हुआ ऐसा? आज तो शाम को अनु ने जहाँ तक कर लिया था उसके आगे क्वेश्चंस करता है। शीट मैंने भेजी थी, अनु ने अटेंड करी? शीट तो मैंने सर कल ही भेजी। हाँ भेजी सर, मैंने चिल्ला चिल्ला कर शीट 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 नहीं भेजी। अगर आप भेज देते तो मैं कल ही कर लेता। आवाज आ रही है गायत्री? यस सर आ रही है। मम्मी कल मैं पढ़ने बैठा था तो रात में नींद तो आई नहीं, मगर दिमाग थक गया मेरा। मेरा भी सर दर्द कर रहा है आजकल रात में, पता नहीं क्या हो गया। ठंड लगे, ठंड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है रात तक हल्का दर्द होने लगता है सर। पूरी है हर बार बोला तक की। अच्छा अच्छा ज़्यादा एमबी की तो फोन का लेट है क्या? कितने एमबी क्लास और टीवी क्यों और लेनी होती है? अब ख़त्म है, इसके बाद क्लास नहीं है। इसके बाद अभी तो ऑफलाइन हो गई, सुबह में बैठा ऑफलाइन, बाकी मेरे घर पे तो वही इंटरनेट। सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए हमारे टेस्ट में। ज़्यादा हो रहा है, जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक सब्जेक्ट है ना, बकवास ना करो, चलो काम पे जाने। गायत्री भी आ जाती है, क्या दिक्कत थी ऑफलाइन कर देख ला। रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ती है, तो करनी पड़ती नहीं करता कोई क्या? हमने क्या ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है। रिकॉर्डिंग तो जरूरी है, बाद में क्लास, बाद में तुम्हें ही देखनी पड़ेगी। हाँ अगर मान लो रिकॉर्डिंग वाले जमाने नहीं होते, ऑफलाइन क्लास होती है जैसे कोरोना के बाद, तब क्या करते? चलो इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? बहुत हो गई बातें, ये सब रिकॉर्ड हो गई हमारी बातें। कॉनिक सेक्शन लेवल 1, तुम्हें आवाज आ रही है गायत्री मेरी?
हाँ सर आ रही है। एक शीट भेज दे रहा हूँ मैं ग्रुप पे, तुम खोल भी सकते हो, बाकी तुम्हें तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देगी वो शीट। टीचर 2021 आ गई इधर भी। ये सबसे मस्त फीचर इसका लिख भी सकते अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से द कर्व डायमेट्रिकली, ये द कर्व डिस्क्राइब पैरामेट्रिकली बाय द, ये बताना है हमें कि कर्व क्या है। स्टार्ट करो जरा, कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी ए की एक्स ए की वाई है, बोलो टी है, टी है तो टी को क्या करेंगे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। करो, ये प्रैक्टिस सेशन है पैराबोला का। कैसे करेंगे एलिमिनेट, देख नहीं रहा आशुतोष। टीक एलिमिनेट करने का दिमाग लाओ, कैसे लगेंगे टीक एलिमिनेट। कोई आइडिया किसी के पास, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की। फिर टी की वैल्यू पुट में, टी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और ये डी अब रख देंगे हम इसमें। सर आपने कल क्वेश्चन करवाया था तो उसमें आपने इक्वेशन पूछी थी पैराबोला की, तो हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू ab से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना। क्वेश्चन इक्वेशन दी है, चार इक्वेशन, तो इसमें तो बतानी है तुम्हें कि पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, तो चारों में से चेक करके देख लेना ना h स्क्वायर इक्वल्स टू ab जिसकी h स्क्वायर वो रूट ax वाली बात कर रहा हूं ना, थोड़े एक्स प्लस, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, स्टैंड फॉर्म में नहीं था मतलब, वो पहले होल स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा उसको, ठीक है करके देखूंगा, वो आया नहीं था उसको मैं कर लेंगे डिस्कस ही करूंगा। ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, और प्लस फोर ये क्या बन जाएगा बताइए, फोर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई प्लस में टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर, ये क्या बन जाएगा बताओ, माइनस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ए और बी की वैल्यू वन है यहाँ पे, और एच की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और जी की वैल्यू माइनस वन, एफ की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू फोर। एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आ रहा है कि नहीं, और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, चेक करके देख लो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आ रहा है, ये क्या होता है पैराबोला होता है, करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट पैराबोला, क्लियर है। एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर होता है और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। आगे बढ़े, द फोकस ऑफ द पैराबोला दिया हुआ है एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, द डिस्टेंस इक्वल कर ले, हां तो वर्टेक्स की वैल्यू बतानी है, निकालो क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिगर बना के देखो पहले क्या आ रहा है। Yeah,
एक्सेस कहाँ पे काटेगी, निकाल लो, सबमिट पे जुड़ेगा। ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तुम्हारी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड फोकस इज माइनस 2.1, ये ऐसा होगा, वर्टेक्स हमारा यहाँ पे कहीं होगा, इसके में वैल्यू निकालनी है। तो वर्टेक्स क्या हो गया, मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, ये वाले पॉइंट का। अगर हम इसको डायरेक्ट्रिक्स को मान लेते हैं एक्सेस को काट रही है ए पे, तो पहले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एक्सेस की। क्लियर, कितनी हो जाएगी एक्सेस की इक्वेशन, मतलब जैसे ये x plus y equal to 3 है, इसके परपेंडिकुलर तुम्हें कोई लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख लो, x minus y equal to lambda minus 1 y equal to 3 और minus 2.1 satisfy करो, lambda की वैल्यू minus 3 आ गई, तो ये वाला तुम्हें इक्वेशन मिल गया x minus y equal to minus 3। अब सॉल्व करके वाला पॉइंट निकाल लो, x plus y equal to 3 एंड x minus y equal to minus 3, क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, यही आ रही है, क्या चेक करो। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 0.3 का और माइनस 2.1 का, मिड पॉइंट क्या हो गया -1.2, आंसर क्या आ गया 0.3 आ रहा है, दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़े, इंटरसेप्ट का मतलब पता है ना, कि जहां पे काटेगी उन दोनों के बीच की लेंथ। फिगर बनाओ पहले, हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, और ये जो है ये लाइन, इस पे इंटरसेप्ट कितना बना रही है 2√10 का, क्लियर है ना, इसको x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2, इसकी लेंथ दी हुई है हम लोग को 2√10। ये पॉइंट्स निकाल लेंगे बिल्कुल सही बात है, और इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं, इसके साथ y की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, x होल स्क्वायर बना लेते हैं, y की वैल्यू ऊपर से डालोगे क्या आ रहेगी, x minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू kx, करेक्ट, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 minus 2x is equal to 4kx, ये इक्वेशन आ गई। ये आगे इक्वेशन जिसके रूट क्या होंगे x1 एंड x2। अब आप ये इंटरसेप्ट जो है इसकी लेंथ निकालो, क्या है AB के एक्चुअली में लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर करेक्ट। और अभी आप x1 y1 सेटिस्फाई करा दोगे क्या आ जाएगा x1 - 2y1 = 1 और x2 - 2y2 = 1 दोनों को सबट्रैक्ट करके देखें क्या आएगा x1 - x2 माइनस टू टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। ये क्या आ गया एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू टू टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू एक्स वन एक्स टू की हमने निकाल ली वैल्यू क्लियर। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो वाई वन माइनस वाई टू की और एक्स वन माइनस एक्स टू इसके आ जाएंगे रूट्स के थ्रू क्लियर कितने डिफरेंस होता है रूट्स से निकल आएगा तो वो वैल्यू हम लोग रूट टेन दी हुई है के की वैल्यू निकल आएगी टू रूट टेन सॉल्व करो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर लिखा रहेगा करके बताओ तुम लोग क्या रहे माइनस वाई टू की वैल्यू यहाँ से पड़ जाएगी एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन टू होल स्क्वायर कर दीजिए तुम एक्स वन माइनस एक्स टू रूट का डिफरेंस है डायरेक्ट निकाल लो तो रूट का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है रूट के सम का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू वो डायरेक्ट अप्लाई करो ना ये निकलना पड़ेगा अभी हमें होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना एक्स वन होल स्क्वायर की तो रूट का भी जरूरत नहीं वो डायरेक्ट आ जाएगा निकालो आपको कैलकुलेशन है कुछ आ गया पांच अपॉन फोर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर निकालो डायरेक्ट एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तो के की वैल्यू तो निकालनी के टर्म्स में निकलेगी सम ऑफ द रूट्स कितना है टू प्लस फोर के का होल स्क्वायर माइनस फोर टोटल ऑफ द रूट्स कितना है वन क्लियर है कि नहीं ये टू प्लस फोर क्या है ये तुम्हारा माइनस आ रहा है ना मेरा प्लस है ये वो चेक कर लो या तो इक्वल में था ना घर आएगा तो प्लस ही बनाएगा ये फोर के माइनस में आ रहा है तो माइनस फोर क्या है माइनस कॉमन भी तो लिया हमने ये प्लस में आया क्लियर है तो ये आ जाएगा हम लोग का नाइन बाई फोर और माइनस वन सोलह चार बीस होता है और उसका रूट निकालोगे क्या आ जाएगा टू रूट फाइव तो के की वैल्यू आ गई स्ट्रेट अवे प्लस माइनस टू रूट फाइव क्या आ रही है कहाँ पे थर्टी टू अच्छा ये टू रहेगा ना एट फोर से थर्टी टू आएगा अब तुम लोगों को कितने बजे आना है आज पता है कल कितने बजे सुबह सात बजे यहीं पहुंच जाएंगे यहाँ पहुंच जाएंगे सात बजे वहीं पे ही तुमको शाम को यहाँ पर जब मैं सुना ये देखो जो बता
रहा हूँ सुबह 7 बजे तक जग पाए, इतना ठंडी रहता है कौन उठेगा सुबह। मेरी क्लास रहती है भगवदगीता की सुबह। मैंने बोला था सर को मैच रखने के लिए, पर भैया ना मैं दूर हूँ, पास नहीं होगा नेक्स्ट वीक यहाँ पे सब रखेंगे, अभी तुम लोग खेला हो जाएगा। मेरी 7:30 से क्लास रहती है, मुझे बस करनी पड़ेगी, बोल के कर सकता हूँ। सर लाइव डेमो दे सकते हो ना? ऑनलाइन होती है, लाइव डेमो दे सकते हो? क्या डेमो? लाइव डेमो कि भगवत गीता से भी और भी जिंदगी में कुछ और होता है, चलो उसे भी देखें। बात वो नहीं, वो मैनेजेबल है ना, नेक्स्ट वीक खेल लेंगे। इतनी ठंड में आ भी नहीं पाऊंगा, मैं स्कूटी से आता हूं, ठंडा रहता हूं बिल्कुल। ऑनलाइन ऑनलाइन तुम्हारे तुम्हारे काम की नहीं है, होगी मैं बता दूंगा। वो लेवल की लेवल की एक्सरसाइज और सारी क्लासेस। अरे तो भगवत गीता की तो है, वो लेवल की है, लेवल मतलब हम लोगों ने कुछ लेवल्स कर रखे हैं उनकी है। पहले उसके लिए फाउंडेशन भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ जाओगे। 32 कितने आ रही है की वैल्यू निकाल ली? के की वैल्यू मेरी तो 9 9 / 9 / 4 माइनस होगा 6 में 2 / 4 के की वैल्यू 1 आ गई। 1 और -2 1 और -2 1 और -2 मेरी एक ही चाहिए बस। कौन सी ऑप्शन में दी हुई है? स्मार्ट होके पेंट के बाद आपको दिए थे ना? अभी दो पे आयुष निकाल दो ना, आयुष निकाल दो। ड्रॉ में ड्रॉ ड्रॉ पे फर्स्ट ड्रॉ क्या निकाल? ब्लैक वाले पेन स्मार्ट पेन तो हमारा टाइम खा ले। आंसर आ गया सर? अब आप लोग बताओ 2 सेकंड। एक्सेस की इक्वेशन क्या आ रही है? कौन से एक्सेस की? ये तो इसके पैरेलल होगी, वाई का शो आ रही है। एक्सेस की इक्वेशन आ रही है 1,1 एंड एट एंड एट वर्टेक्स कितना है? x + y = 1। ये क्लियर है ना? पॉइंट x, y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ रही है? x = y बस ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 a निकल आया वहां से। x a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 a a की वैल्यू रहेगी 1,1 से इसकी दूरी परपेंडिकुलर कितनी है? 1 है कि 1/√2 है? 1 + 1 - 1/√2 1/√2 आ रहा है ना? इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आंसर कौन सा हो गया? मैं जी चेक कर ले रहा हूं कौन सा x + y - 1 y √2 से वो कट जाएगा। 4x - 1 शायद ये वो आएगा सब दी आएगी। उसके बाद 7 नंबर करेंगे क्वेश्चन। जाती आपको साउंड में आ रहा है? ये चल रहा है, लेक्चर देख के आई हो ना? सर आ रहा है। बढ़िया है सर, जरा करो करो 7 नंबर। खाली रहते हो मतलब? एक घंटा भी नहीं? नहीं बताओ क्या हुआ? इंग्लिश सीखती है। इंग्लिश? मुझे कौन सा इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है? इतनी ही सीखी है स्पीकिंग में। अरे भाई चलक तो हो जाओ, पढ़ना तो क्या करूँ, इंग्लिश सीख
सर इसकी कॉलेज में सेलेक्ट ड्रॉप सिखाएंगे इंग्लिश इसकी आएगी 2.7 पिछली बार ऐसे देने गया था इक्वेशन तो निकला है पहला बोला कि कोई नहीं चलो अभी ये अलग क्वेश्चन करते हैं ये दिया हुआ है x plus 4 y plus 3 इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे पहले प्लस माइनस 4 करेक्ट कितना आ रहा है फिर मुंह क्या बोल रहा हूँ मैं सिखा रखा है ना मैंने 4 into 1 by 4 x plus 4 ये इसके बाद का सिस्टम अभी उसी दिन तो करवाएं कितने सारे क्वेश्चन कंपेयर कर लेंगे y को 4 a की वैल्यू क्या आ गई 1 a की वैल्यू 1 by 4 और फोकस क्या होता है इसका 0 का माइनस अच्छा फोकस a कॉमा 0 हां a कॉमा डिवाइस करके नहीं होगा ऐसे ही चले होगा सॉल्व करके x plus 7 की वैल्यू a हो गई क्लियर है ना तरीके से कहते हैं यस सर ऐसे कुछ बोलो सही है अंदर क्या मैं काम कर रहा हूं ना इतना इतना ओवर रिएक्ट करने के बजाय एक दो घंटा आप ही मान लिया करो अपने कम से कम आपको याद रहेगा कि हां मैं सच में कह रहे हो उस दिन तो मिस किया है फिर बोलिया क्लियर है कि नहीं जरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे दसवां द इक्वेशन पैराबोला के लिए क्या कंडीशन पढ़ाई मैंने सर दो है दो माइनस फोर प्लस फोर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी ये जो है फोर स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर क्या बोल रहे हो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी ना तो टू का स्क्वायर फोर स्क्वायर होगा 16 होगा या फिर लैम्डा इक्वल टू अगला है देखो टू का स्क्वायर होता है वो टू एच होता है टू एच एक्स वाई होता है फोर बराबर और h की वैल्यू क्या हो गई 2 का होल स्क्वायर 4 लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है क्लियर है ना लैम्डा की वैल्यू 4 आ रहा है डी क्लियर 11वां क्वेश्चन a comma 2a इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन माउंटेड बाय दिस 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 एंड द डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस क्या होती है फोकल कॉर्ड नो लेटस रेक्टम इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट पहले से परपेंडिकुलर होगा ना और वो फोकस वापस करा दिया तो हम लोग का क्या हो जाएगा वो इंटरसेक्ट हो जाएगा मतलब ये पैराबोला है इसके भी अंदर है डबल ऑर्डिनेट के भी अंदर है तो दोनों से कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं लेस देन वाली कंडीशन बिल्कुल ना लेटन फोर आ रही है क्या आ रही है लेटन फोर आ रही है मेरी ये इंटीरियर में लाई कर रहा है S1 क्या होगा लेस देन 0 होगा 2a का होल स्क्वायर इज लेस देन 16a
फोर ए स्क्वायर माइनस 16 है लेस देन जीरो, तो ए क्या हो गया, फोर ए कॉमन लिया, ए माइनस फोर हो गया लेस देन जीरो, तो ए बिलोंग्स टू जीरो टू फोर हो गया, करेक्ट। और लेटेस्ट आइटम क्या होगा इसका, सर यही आ रही है बस, x इक्वल टू फोर, y x के पैरेलल है तो x इक्वल टू फोर हो गया, फोर कॉमन जीरो से पास करेगा तो इससे भी छोटा होना चाहिए, तो a इक्वल टू फोर, तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो है इसका वो लेस देन फोर होना चाहिए, लेस देन ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, करेक्ट। तेरवा लोग ट्राई करते हैं, लोकस ऑफ ट्राइसेक्स है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा दो पॉइंट होंगे वहां पे जो तीन बराबर हिस्सों में बांट देंगे, ये हो गया लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन, आर्बिट्री डबल ऑर्डिनेट, कोई भी डबल ऑर्डिनेट आपको लिखना है, मान लेते हैं इसका जो वो है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, वो हमें वेरी करेगा प्लस माइनस के साथ, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं डबल ऑर्डिनेट की एक्स इक्वल टू लैम्डा, करेक्ट, अब एक्स की वैल्यू लैम्डा डाल दोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें ऑर्डिनेट्स के, हाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमने पैराबोला बनाया है सही बनाया है कि गलत बनाया है, ये तो गलत है, ये वैसे वो वाला बनाया है हमने, हां इस पर कुछ पूरे एक्स का, ये वाला बनेगा, तो अब ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई की वैल्यू लैम्डा होगा, वाई की वैल्यू लैम्डा डाल दो यहां पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, हां ये एक कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4b lambda root में comma lambda, correct, हाँ yes sir, और minus में 2b lambda comma lambda, अब point of trisection निकालना है, trisection के ऐसे point होते हैं जो तीन हिस्सों में बराबर में बांटते हैं, अगर ये p ये q तो ये हो गया 1 ये हो गया 1 ये हो गया 1, तो a का coordinate अगर आपको निकालना है तो a के हाँ a के respect में 1 से 2 लिखेंगे और b के respect में 2 से 1, correct, ए क्या है डिवाइडिंग कॉर्ड इन 1:2, निकाल के देखो क्या आ रहा है, सर 2b लैम्डा और 3 और लैम्डा, और इसका आधा आधा कर देंगे, तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग h कॉमा k कंसीडर कर लेते हैं, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 1 into √2b minus नहीं प्लस वो माइनस आएगा, अच्छा माइनस माइनस 4 2 into 2 तो 4b लैम्डा अपॉन 1 plus 2 3 हो गया, तो ये माइनस 2b लैम्डा 3, हां ये पहली क्वेश्चन है, ऐसे k में बना लो, लैम्डा एलिमिनेट कर लेना, लैम्डा आ जाएगा, k की वैल्यू बनेगी हम लोग की लैम्डा प्लस 2, अच्छा ये लैम्डा ही हो गया, और अब इन दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट निकाल, मिड पॉइंट जो हो जाएगा लोकस निकालना है ना, यही डाल दो लैम्डा की वैल्यू खत्म, अच्छा 3h की वैल्यू, यस सही है, माइनस पर b k करेक्ट, स्क्वायर मार दीजिए, ये हो गया 4 b k करेक्ट, यही आ गया एक लोकस,
निकालने को दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो जो आएगा किसी भी मूव करेगा नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई कौन सा ऑप्शन हो गया ये वाले जो पॉइंट आए हैं h कॉमा k हां ये वाले पॉइंट तो सर a के आए होंगे ना हां ऐसे b के भी निकाल लेना b के भी a के जो पॉइंट आए हैं वो पॉइंट आपने पैराबोला की इक्वेशन में रख दिए नहीं तो क्या गया कहां इक्वेशन में रखे हैं तो जो ये एलिमिनेट किया है वैसे h और k को सॉल्व किया है आपस में लैम्डा की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे उठा के ऊपर रख दी आपस में तो सॉल्व किया क्लियर है ना नोट कर लो आ जाएगा दिक्कत है आगे बढ़े सी पार्ट हो जाएगा क्लियर है ना ये वाला ट्राई करते हैं क्या बोल रही हो गायत्री कुछ नहीं सर यस सर बस बोला था क्लियर है ना आ रहा है तुम्हें समझ में सर आ रहा है 15 तरह निकाल के बताओ जरा आप लोग क्या आ रहे हैं थोड़ा आप लोग भी ट्राई करो अब आपको सही आंसर बताना है इसका क्या होगा चेक कर लेते तुम लोग का है ये लाइन टच कर रही है इस पैराबोला को मान लेते हैं x1 कॉमा y1 पे टच कर रही है करेक्ट तो x1 कॉमा y1 पे इसकी टेंजेंट निकाल लो क्या हो जाएगी yy1 इक्वल टू 4x प्लस x1 अब इसको कंपेयर मार दो इससे ऊपर वाले से इससे कंपेयर कर देंगे y1 upon 1 equal to 4 upon 1 equal to 4x1 upon 2 तो 4x x1 की वैल्यू आ गई 2 और y1 की वैल्यू क्या आ गई 4 आंसर क्या आ गया 2.4 इतना ही एक लाइन का था क्वेश्चन क्लियर है ना जब भी पॉइंट पूछेगा कि किस पॉइंट पे टच कर रहे हो तो हमेशा आप लोग x1 को y1 से करेंगे जल्दी हो जाएगा पॉइंट अंदर टेंजेंट टेंजेंट ये वास्तव में टच है लाइन टच है टच है हां तो टच कौन तक टच कर रहे हो टेंजेंट स्ट्रेस में इधर टैंक आप टच करेंगे कट हो गई ना इंटरसेक्ट
वो कट हो गई जो तुम बता रहे हो, कट और टच में अंतर हो गया। तो जैसे इधर कर दी, इधर उसको कोने पे एक पॉइंट ले लिया हमने, इधर से पास करा दी, तो वो भी तो वो कर रही है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट है ना ये, तो कट कर रही है, आगे भी तो कट करेगी इसको एक और पॉइंट पे, तो कॉर्ड है ना तुम बना रहे हो, और सारी लाइंस कॉर्ड होंगी इंटरसेक्ट। अच्छा ठीक है, एग्जांपल दे दो, क्लियर है ना? 17 वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके बाद। टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या आ रही है? कैसा निकालेंगे? y plus y1 by 2 is equal to x x1 plus x ना, तो y plus 7 upon 2 equal to x into 1 plus 6, तो y plus 7 equal to क्या आ गई? 2x plus 12, तो हम लोग की लाइन क्या आ गई? 2x minus y plus 5 equal to 0। अब ये लाइन जो है ये सर्किल को टच कर रही है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, सेंटर हो गया माइनस 8 कॉमा माइनस 6। सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो रेडियस के बराबर, दोनों टेंजेंट इक्वल है, दोनों एक दूसरे की टेंजेंट है। एक्स वाई किसी की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो लाइन है ये सेंटर से दूरी इसकी कितनी है, पास क्यों करेगी, ये टेंजेंट है। P की वैल्यू कितनी आ रही है? P की वैल्यू आ जाएगी 2 into minus 8 minus 1 minus 16 minus 1 आएगी वैल्यू P की, और plus 6 plus 5 upon 5 root 5 आता, तो minus root 5 आएगी, minus 10 plus 5 हो गया minus रूट फाइव, मतलब माइनस रूट फाइव आ गया, इसका वैल्यू आ गई रूट फाइव, ये आ गई रेडियस के बराबर है। अब रेडियस के बराबर इसको डाल दो, सी की वैल्यू निकाल लो, रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कितना है? तुम गायत्री बताओ, तुम भी तो कुछ बोलो, आपको आ रहा है अगर समझ में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभी मेन क्वेश्चन तो अभी पहुंचेंगे। कितना है? 95 d स्क्वायर हो गया स्क्वायर 64 64 प्लस 36 प्लस c माइनस माइनस c इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस c
अरे क्या बोल रहे हो तुम, सही तो है, सी की वैल्यू 95 ही तो आएगी सर। सी हां तो माइनस होगा सी के साथ, यहाँ माइनस सी इधर तो बेसिक जोड़ घटाना गलत कर रहे हो। आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़े, मैंने उससे करा, कोई तो क्वेश्चन करके दिखा दो कौन सा उससे करा, किससे करा, टेंजेंट दोनों कंपेयर करो, आ गया ना, बताया क्या नहीं, 95 95 95। चलो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन करते हैं, 21 नंबर। एम स्लोप की टेंजेंट पढ़ा दी है मैंने, कंपेयर कर लो ना और c की वैल्यू क्या हो रही है, a/m, तो a क्यू स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस a क्यू स्क्वायर बराबर जीरो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, p स्क्वायर तो अच्छा p होगा ना, माइनस p प्लस a क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आंसर क्या आ गया, b पार्ट क्लियर। क्या करते हैं दूसरा, 23 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू गैदरी, क्लियर है ना, यस सर यस सर, ये y प्लस b इक्वल टू सर ऐसे भी तो कर सकते थे, ये लाइन दे रही है इसको y की इक्वेशन में पुट कर दें, d की वैल्यू 0 निकाल दें, फिर वो d की वैल्यू 0 निकाल दें, सो ना करना पड़े, इसे सीखा था हमने, तो प्रूफ करके देखिए ना, हर बार थोड़े लगाओगे, 23 का a की पॉइंट से लाई जा रही है सर, माइनस a माइनस b आर टू टेंजेंट्स 2y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
कैसे कर रहे हो सर? इसकी वैल्यू सी आएगी माइनस वन, लॉक कर दिया देखते शायद यही होगा। इसको ऐसे लिख लो y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस ए एम वन माइनस बी, करेक्ट। और दूसरे वाले को लिख दो एम टू एक्स प्लस ए एम टू माइनस बी, ये क्या हो जाएगा c इक्वल टू ए बाई एम, करेक्ट। इसका टेंजेंट है तो ए बाई एम वन एंड c इक्वल टू ए बाई एम टू। अब दोनों को कंपेयर कर लो क्योंकि प्लस माइनस का तो कोई डिफरेंस ही नहीं किसी तरीके से, या तो सॉल्व कर लो, कंपेयर करना बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा ए एम वन स्क्वायर माइनस बी एम वन इक्वल टू ए, और इधर से ए एम टू स्क्वायर माइनस बी एम टू, करेक्ट। सॉल्व कर लेंगे दोनों को, इन दोनों को बराबर करके, तो ए एम वन माइनस एम वन स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर माइनस बी एम वन माइनस एम टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो एम वन इक्वल टू, एक तो ये आ गया। एक मिनट हम लोगों ने सही लिखा है ना, कोई गलत तो नहीं किया। एम वन ए माइनस बी, और यहाँ पे ए एम टू माइनस बी, बिल्कुल सही लिखा है, सही है, कट जाएगा एक तो। तो ये एम वन एम टू और माइनस बी इक्वल टू जीरो, एक तो आ रहा है एम वन इक्वल टू एम टू, ठीक है ना, और दूसरा आ रहा है एम वन प्लस एम टू की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक लग रही है? सर m x होता है ना, तो x तो वहाँ x प्लस ए भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो, ओरिजिन तो ओरिजिन तो जीरो, वो हमने चेंज कर दिया उससे, तो उसको इसीलिए तो m1 x प्लस a1 माइनस b कर दिया मैंने, और a m2 माइनस b। अब ये दोनों टेंजेंट हैं, इनको सॉल्व कर लिया, ये तो सब सही है। दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना सर, तो पैराबोला तो यूं बढ़ता है, दोनों के पैरेलल जाएंगे तो काटेंगे ना पैराबोला को। नहीं वो फिर हमारा तो m1 m2 equal to m2 आ गया ना, मतलब भाई एक ही लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन दो हो गई ना। देखो हम ये बोल सकता, अगर ये 90 डिग्री दे रहा है m1 m2 equal to minus 1, तो दैट मींस जो ये टेंजेंट्स हैं ये कहाँ पे काटेंगी, तुम्हारी काटनी चाहिए डायरेक्ट्रिक्स पे जाके, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x equal to minus a, करेक्ट। तो x इक्वल टू माइनस ए पे जब ये जाके काट रही है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये ऐसा कहीं पर माइनस ए का माइनस बी यहाँ से परपेंडिकुलर ही रहेंगे, हाँ तो सही रहे, 90 डिग्री तो होती है जब आप उससे खींचते हो, डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस है यहाँ पे रखोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, करेक्ट है कि नहीं, y plus b की वैल्यू 0 माइनस b, दैट मींस हमें एक पॉइंट मिल गया यहां पे,
डायरेक्ट्रिक्स में माइनस ए कॉमा माइनस बी। सर ये कैसे पता पड़ा आपको डायरेक्ट्रिक्स में? इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस ए है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट्रिक्स पे आप कोई भी पॉइंट देते हो, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे होगा कि नहीं? एक्स इक्वल टू माइनस ए पे लाइन की वैल्यू क्या आ रही है? वाई प्लस बी की वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, माइनस ए कॉमा माइनस बी हुआ कि नहीं? तो डायरेक्ट्रिक्स से कोई भी आप टेंजेंट खींचोगे, कोई भी स्लोप की, चाहे एम1 स्लोप की हो चाहे एम2 स्लोप की हो, वो तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा था उसमें 90 डिग्री होगा। हां बिल्कुल कर सकते थे ऐसे जा जाओ, सही है, कोई दिक्कत नहीं, वही 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है ना? इतना हमें करने का नीड नहीं था। और वो इससे क्यों नहीं निकल रहा है, हम लोग अगर जज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी M1 M2 की तो वैल्यू आई नहीं है ना, हमारी तो हम जो पूछी गई मतलब एक्चुअली में वो नहीं आई हमारी वैल्यू। अब जैसे M1 minus M2 से दो केस निकल रहे हैं, एक ये भी तो निकल रहा है M1 M2 equal to B upon A, तो ये वाला ट्रू होगा, ये वाला ट्रू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दो टेंजेंट नहीं हो सकते ना सेम स्लोप की, तो इसने आयुष ने बोला शुरुआत में, क्योंकि अगर कट कर लेंगे ना लाइने तो अगर सेम स्लोप की होंगी इस टाइप वाली, दूसरी को कट करना ही पड़ेगा। तो आप उससे टच कर लो कि डायरेक्ट्रिक से कट कर रही हो ज़्यादा अच्छी, ठीक है ना? जैसे 24 वाला क्वेश्चन है वो देखो, वो भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल दे, कुल मिला के वही पूछ रहे हैं। यस, कल के बताओ क्या आ रही है डायरेक्ट्रिक्स। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस और ये वाई टाइप वाली है, टू टू पे आ रही है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होती है एक्स एक्स के पैरेलल वाई इक्वल टू माइनस है, वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस है, तो वाई की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, करेक्ट, प्लस हो जाएगा, हाँ मतलब वाई की वैल्यू प्लस फोर आएगी, वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, क्लियर है ना? गायत्री आगे बढ़े? यस सर, हाँ। ये वाला ट्राई करते हैं हम लोग, 25th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents to y square equal to 4ax at t1 and t2, correct? ये क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। t1 पे आप tangent खींचोगे, t2 पे tangent खींचोगे, कहाँ पे टकराएगी बताना है। t1 पे tangent क्या हो जाएगी, at1 square comma 2at1 पे, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू tangent की ty equal to x plus at square, t1 पे ये हो गई ty equal to x plus at1 square, टी टू पे हो गई x प्लस ए टी टू स्क्वायर, करेक्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये टी टू है और ये पॉइंट हो जाएगा जहां आप लोग काट रही हैं एक दूसरे को, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के बताओ क्या आ रहा है, सब ट्रैक कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे,
81 plus T2 by R. और X? X. सर 81 plus T2 minus 81 का स्क्वायर. तो T81 T2 81 plus T2 आ रहा है ना, जो इंटरसेक्शन आ रहा है 81 T2 81 plus T2. क्लियर? तो अब क्वेश्चन को ट्राई करो. यस यस. क्या है यहाँ पे? फोकस 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 सर. यस क्वेश्चन बोल आगे है. क्वेश्चन वाला खबर ये नोट कर लिए इतना. स्टैंडर्ड मान ले सर 1/0 फोकस तो. हाँ वही ना. और फोकस डिस्टेंस क्या होती है? फोकल डिस्टेंस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं. याद है ना? वही है. तो ऐसे की वैल्यू निकाल लो. ऐसे की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट का सम भाई दोनों का 81 स्क्वायर और एस बी a प्लस 82 स्क्वायर और एस टी ठीक है. a प्लस t का x कोऑर्डिनेट क्या है? 81 81. अरे कर लो अब निकाल लो. क्या आ रहा है देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. तो ये स्क्वायर में है कोई मैच नहीं करेगा. करेगा कोई ना कोई तो करेगा. ऑप्शन देखो ap तो साफ साफ दिख रहे नहीं होगा. दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होना चाहिए था एपी के लिए. एसए और एसबी और बीच में एसटी ध्यान रखना. जीपी वाला चेक कर लो. एसटी का स्क्वायर होना चाहिए एसए इनटू एसबी के बराबर. देखो लग तो रहा है कि आ रहा ये पहले ही बोल रहे नहीं है. एस टी का स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? 1 plus T1 square T2 square plus 2 T1 T2 और एस ए इंटू एस बी एचपी चेक करके देखो. सर एचपी 1/2 हां 2 एसए इनटू एसबी होना चाहिए एसटी के बराबर. एपी जो भी नहीं है तो एचपी हो या चेक करके देख लो अगर वो होना तो चाहिए. मैं ये एचपी भी नहीं होगा सर. मुश्किल है. एचपी इधर क्यूब बन रही है इधर स्क्वायर बन रही है तो एचपी का तो वैसे भी नहीं होगा. ये जो एसटी है ना एक बार एसटी आप निकालिए जरा.
क्योंकि वो focal distance वो point on the होता है ना parabola, उसके भी तो कुछ points हैं तो point के, हाँ उसका वही coordinate भी कुछ ना कुछ है, ST की value हम जरा conventional वैसे निकालते हैं, AT22 कम है, AT1 plus T2 है, ऐसे question में answer GB होता है, AT22 का whole square और T1 plus T2 का whole square, correct? तो इसको solve करके देखो एक बार क्या रहे ST की value, ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस माइनस 2 t1 t2, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, हां यहां तो क्या ये वही आ रहा है, जीपी हो जाएगा, हां जीपी हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, करेक्ट है, ये लिखा है s a * sb का रूट, तो ये वो चीज क्लियर रखना कि वो सम नहीं होगा, वो फॉर एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला होता है तब होता है सब, क्लियर है ना, तो वो चीज ध्यान रखेंगे, आंसर आ गया जीपी, आगे बढ़े सुन आ रहा कैसे है जीपी, ये कट जाएंगे तो ये भी तो 222 आएगा, हां ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों plus 1 plus t1 square plus t2 square plus t1 square t2 square ये 2 जो लगे हैं ना 2 नहीं होने किसी के साथ भी और plus t1 square plus t2 square नहीं वो तो हो गया ना plus बीच में लिख दिया हमने अभी 2 वाला है तो हाँ ये अब ये अंडर रूट में ऐसे into sb के बराबर क्लियर आगे बने ये आप चाहे नोट कर लीजिएगा सारे लोग गायत्री सुन में है ना कि एस टी की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का ऐड करके नहीं लिख सकते बेसिक तरीके से निकाल लीजिए अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर क्लियर यस सर 30 वाला करते हैं ये भी स्टैंडर्ड है जो हमें याद रखना है डायरेक्टली t1 इक्वल्स टू माइनस वन नहीं है वो उसकी लेंथ बताना है इफ टी इज द पैरामीटर ऑफ द वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड देन इट्स लेंथ बतानी है अदर एंड का कोऑर्डिनेट लिख लो लेंथ डायरेक्ट निकाल दो ए टी1 का होल स्क्वायर 280 और यहां ये हो जाएगा -1 तो ए / टी1 का होल स्क्वायर -2 ए / टी ये ऐसे हो जाएगा उनकी लेंथ निकाल लेंगे इसको इसको प्लस कर लेंगे नहीं नहीं वो तो फोकस से होता है मैं फोकस से डिस्टेंस का अभी तो डायरेक्ट निकाल दो अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन पर ना सेगमेंट्स के लेंथ निकाल के जोड़ दो दोनों फोकल कॉर्ड का सेगमेंट जो होता है बताया था ना मैंने उनको भी आप ऐड कर सकते हो ए प्लस ए टी माइनस प्लस ये एस है ए कॉमा जीरो फोकल कॉर्ड का और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा at स्क्वायर कॉमा 280 तो इसका उल्टा हो जाएगा जैसे हमने 1 लिख दिया है तो t है वहां पे कोई क्वेश्चन होगा t लिख लेते हैं सिर्फ t1 लिखने की जरूरत नहीं है 280 हां at स्क्वायर कॉमा 280 अब बाकी हम लोग ने प्रूफ भी किया था कि अगर दूसरा एंड t1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता था t1 इक्वल टू -1 क्लियर है फॉर फोकल कॉर्ड ये होता है हम लोग ने प्रूफ किया लास्ट टर्म पे तो ये क्या हो गया a / t स्क्वायर कॉमा -2a / टी सर ये तो शायद डी आएगा इसमें आंसर नहीं डी आएगा तो एसपी क्या हो गया एसपी हो गया ए प्लस ए टी स्क्वायर और एसक्यू क्या हो गया ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर दोनों क्या करो ऐड कर दो क्लियर है ना दोनों को ऐड कर देंगे नेक्स्ट लाइन में आंसर है एसपी प्लस एसक्यू a कॉमन ले लिया 2 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर क्या हो गया t प्लस 1 बाय t का होल स्क्वायर करेक्ट बीच वाले मेरे ख्याल से हो जाएंगे सारे आप लोग से हो जाएंगे थर्टी थ्री वाला ट्राई करते हैं
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं दोनों की ही टेंडेंट नहीं बताया, स्टैंडर्ड क्या होती है y equal to x square की और y equal to minus times x minus 2 को होल स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट मान ले, दो पॉइंट तो हमें पता होंगे ना सर, एक को अगर हम रेस्पेक्ट में मानेंगे तो दूसरे को तो x square हो जाएगा। हाँ पॉइंट पता है तुम्हें, तो उसकी टेंजेंट लिख लो और दूसरे को सेटिस्फाई करा देना। अगर x के वैल्यू t बोल रहे हो तो y के वैल्यू क्या होगी, t स्क्वायर, तो t कॉमा t स्क्वायर पे लिख दो टेंजेंट एक की, वो दूसरे को भी टच करेगी। यस इट्स एग्जैक्टली द सेम। कैसा लिखे जैसे इसके अगर तुम्हें कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोले लिखने को, क्या लिखोगे, जैसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिखते थे वहां पे, इसके क्या हो जाएंगे y इक्वल टू x स्क्वायर के, तो इसको देखो t मान लो t और t स्क्वायर हो जाएगी, t कॉमा t स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं, इस पे लिख लो तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, टेंजेंट y plus y1 by 2 y plus t स्क्वायर by 2 equal to x x1, ये आ गई टेंजेंट किसकी, y equal to x स्क्वायर। अब ये कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ये इसको भी टच करेगी कि नहीं करेगी, तो इसमें रख करके क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट y की वैल्यू डाल दें, y की वैल्यू, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या डाल दें, कॉमन टेंजेंट टच कर रही है, टच कर रही होगी, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा कि नहीं, एक पॉइंट पर कर रही होगी, हां t की वैल्यू निकालेंगे उससे, इससे हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे सर, जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे, टेंजेंट की लिख तो ली है, जनरल इक्वेशन यही है दूसरे दोनों की कॉमन टेंजेंट ढूंढनी है ना, ये वैल्यू उसमें रख दी और एक पॉइंट पे मान दिया टच कर रही, तो डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्लियर है, मैं क्लियर है कि नहीं, यस सर, डी क्यूब इक्वल टू, अच्छा ये होल स्क्वायर तो थोड़ी ना करना है, तुम सॉल्व कर लो इसको, होल स्क्वायर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी अप्रोच काफी हद तक सही हो चुकी है, ये हो गई ना, d की वैल्यू 0 डाल देंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्लियर, और गया, क्या रेट की वैल्यू, ये भी फिर द्वारा करना पड़ेगा, फिर द्वारा करना पड़ेगा, ये क्या वेक्टर ना, नहीं इससे आएगी कुछ की वैल्यू, देखो इमेजिनरी है ये, b स्क्वायर में स्क्वायर सी इमेजिनरी पड़ेगा भाई, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 माइनस 2 आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, नो डज नॉट एग्जिस्ट, 0 माइनस 2 आ रही है, इमेजिनरी का मतलब, एक मिनट, 0 और माइनस 2 आ रही है, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या तुम्हारा, 4 माइनस t का होल स्क्वायर, 2 प्लस t, 4 बाय 2xt माइनस t स्क्वायर, xt माइनस t स्क्वायर माइनस टाइम्स है y की वैल्यू माइनस टाइम्स x
वहां पर प्लस फोर आएगा जहां पर आपने डबल टिक लगा रखा है उस वाली इक्वेशन में, इसमें नीचे वाले में। अच्छा प्लस फोर लास्ट में, लास्ट लास्ट इसको इधर लेके गए ना। ठीक है इसको इधर ले आए, प्लस फोर है। अच्छा प्लस फोर आने से कट रहा है पूरा पूरा, तभी आएगी वैल्यू जीरो को मैं बोल आई है। नहीं 2t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू जीरो। अच्छा जीरो 2t और t माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो दो आ रही है। ठीक है जीरो को मत टू, जीरो और टू रख के जाते हैं आगे, रख के देखो क्या आ रहा है। t की वैल्यू जब जीरो डालोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू वही जीरो, और t की वैल्यू टू डालोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 4x, 4x ना 4x माइनस 4। ऑप्शन में कौन कौन से दिए हैं, ये दिया है मुझे दिया था। हाँ 4x माइनस 4 तो पहला वाला पार्ट हो गया और ये भी हो गया y इक्वल टू जीरो भी, स्टार लग रहा है इसमें। हाँ तो बस ठीक है दो हो गए, क्लियर है। और फिगर बना के ना तो वेरीफाई भी कर सकते हो, इन दोनों के फिगर बना पाओगे आप लोग पैराबोला के, क्यों नहीं बना पाएंगे, बनाओ जरा कैसे होंगे फिर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बहुत ईजी है, ये हो गया। दूसरे वाले को बताओ, दूसरे वाले को नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा माइनस 0.2 आई है माइनस के वाई इक्वल टू, तो ये सर वाई इक्वल टू माइनस 4x होगा वो, और वर्टेक्स क्या बनेगा उसका 2.0। हां और बनेगा कैसे, नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो कॉमन टेंजेंट बता रहे, कॉमन टेंजेंट कौन वाली होगी, ये वाली तो होगी, x एक्सिस तो दिख ही रही दोनों को टच कर रही, करेक्ट, और ये वाली और होगी। हां ये स्टेबल वाली कुछ और होगी, क्लियर ये वाला और कर लेते हैं 44 में ना, फिर आपको खुद से डन करिएगा बाकी पूरे क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में करना क्या होता है, हम टेंजेंट निकाल लेंगे एक पे, एक की टेंजेंट फिर दूसरे की टेंजेंट, दोनों की टेंजेंट से स्लोप निकाल लेंगे, फिर उन स्लोप को यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं m1 minus m2। तो पहले की टेंजेंट क्या आ रही है, तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो ना स्लोप, यस 2y क्या रहेगा 2y dy by dx equal to 4, तो dy by dx पहले के लिए क्या हो जाएगा m1 4 upon 2y, 2y की वैल्यू है 8 1 by 4 m1 1 by 4 आ रहा है, ऐसे दूसरे ही निकाल लो। फिर एंगल निकाल के बताओ m1 इक्वल टू बना रहा है ये 1 by 4 आ रहा है, दूसरा बना रहा है yes. ये हो जाएगा 2x equal to 32 dy by dx, तो 2x वैल्यू 16 है, tan inverse minus 3y हो रहा है वैल्यू, m2 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 minus 1 by 4 1 plus 1 by 4 तो 3 by 5 आ गई, करेक्ट ना 3 by 5 मेरा माइनस मैडम m2 minus m1 कर दिया, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो मॉड तो लोगे ना, ओह यस मॉड आ रहेगा, थोड़ी सी और क्लियर है ना। मेरे ख्याल से हो गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग एलिप्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास छुट्टी पड़ेगी ही, इसको तुम शीट पूरी कर लेना, स्ट्रेट लाइन सर्किल पैराबोला इसका टेस्ट रहेगा तुम्हारा नेक्स्ट वीक में, रेडी रहना सर। आंसर क्या है, 3.5 क्लियर है ना।
44 तक हो गए हैं ऑलमोस्ट हमारे डिस्कस. अब आपको इसके ज्यादा मिलेंगे भी नहीं उससे आगे. 60 तक है पैराबोला के, फिर इलिप्स स्टार्ट है, यहां से इलिप्स है 61 से. 315 है शायद, ज्यादा नहीं, 315 है. 315 है लास्ट. ये हाइपरबोला इलिप्स और पैराबोला तीन है ना टोटल. 60 के बाद और इसमें लेवल 2 वगैरह सब है इस स्ट्रीट में, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है. पैराबोला दी The number of normals form 7/6,4 to parabola. Check कर लेंगे कि वो 2A के बाहर लाई कर रहा है अगर ये point, तो वहाँ से 3 खींची आ सकती है. बीच में है तो एक मतलब जो एक होगी tangent, कौन normal होगी तो बीच वाली होगी x axis वाली, बाकी दोनों फिर real नहीं होगी. हमने भी किया था ना उस दिन भाई ये या 3 खींचने का. इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना. इसको अटेम्प्ट करके और शीट को मैंने मोर देन इनफ है, इसको आप पूरा कर लेते हैं तो बस बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना आप लोग के लिए. ओके यस सर, एंड करते हैं. इट्स 4 o'clock, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे. चलो बाय फिर.